स्टार्स चाइल्ड चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर का परिपथीय नियम कहता है कि किसी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकल उस पृष्ठ पर उपस्थित संपूर्ण धारा, उस परिपथ में उस पर उपस्थित पूरी धारा का म्यू नॉट गुना होता है। एम्पियर के परिपथीय नियम का स्टेटमेंट है, उसका कथन है, वो ये कहता है कि किसी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकल उस परिपथ में जो धारा है आई उसका म्यू नॉट गुना होता है। किसी बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकल उसमें जो धारा है उसका म्यू नॉट गुना, उस परिपथ में जो धारा उसका म्यू नॉट गुना होता है। ये था उसका कथन एम्पियर के परिपथीय नियम का। अब हम इसका देखेंगे प्रूफ। हमने माना कि कोई तार है जो ये बोर्ड है या कागज है इसके तल के लंबवत रखा हुआ है और उसके चारों ओर हमने ऐसे एक वृत्ति पथ ऐसे खींचा और इस तार में ऊपर की ओर हमने मान लिया I धारा बह रही है और जैसे ये तार है इसके चारों ओर हमने जो ये पथ खींचा इसका भी केंद्र, जो तार का ऐसे पथ लिया इसका भी केंद्र इस तार पर स्थित है। तो हमने ऐसे देखा और इसमें I एम्पियर की धारा ऊपर की ओर बह रही है तो इस वृत्ति पथ की त्रिज्या R है और इससे ये केंद्र O है, इससे यहाँ पे तो जो P है वहां पर हमको पता है चुंबकीय क्षेत्र। इस वृत्ति पथ के जो बिंदु P पर हमें पता है चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ति पथ की वजह से B बराबर, देखो हम तार से R दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है तो इस तार में I एम्पियर की धारा बह रही है तो यहाँ बिंदु जो P है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र होगा म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई अपॉन आर, ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर होगा। इतना छोटा सा इसका पार्ट हमने लिया डी एल वेक्टर और इसमें चुंबकीय क्षेत्र इसी दिशा के अनुदिश वेक्टर बी, वेक्टर बी। तो अब हम इसको देख रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड से हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं। तो क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी एल वेक्टर, तो ए डॉट बी ये आ जाएगा ए बी कॉस थीटा। अब ये जब अनुदिश है तो कॉस कितना हो जाएगा, जीरो डिग्री, कॉस जीरो की वैल्यू क्या हुई वन, तो बराबर बी का मान हम ये समीकरण एक से रख दें। बी का मान समीकरण एक से रखने पर जब बी की वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे आकर तो ये आ गया म्यू नॉट अपॉन, बाहर निकाल लें बी की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई अपॉन आर, ये है क्लोज इंटीग्रल डी एल। अब डी एल ये इतना छोटा भाग है और पूरा जब इंटीग्रेशन लगा है समाकलन लगा हुआ है तो क्या जाएगा टू पाई आर, तो ये क्लोज इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट डी एल वेक्टर इक्वल टू ये आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई अपॉन आर टू पाई आर, टू पाई और आर आर कैंसिल। तो ये आपका किसी बंद पृष्ठ में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकल उस पृष्ठ पर उपस्थित संपूर्ण धारा का म्यू नॉट गुना होता है, ये हमने प्रूव कर लिया। ये है एम्पियर का परिपथी।